असलम एवरी वन आई एम योर न्यूट्रिशनिस्ट प्रो आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टू अर न्यू फूड रेसिपी जिसमें आज हम बनाएंगे बहुत अमेजिंग चरगा और इसको बनाने के लिए आपने एंड तक मेरे साथ रहना है चरगा बनाने के लिए हमारे पास जितने भी इंग्रीडियंट्स होंगे वो ये सब यहाँ पर मौजूद हैं जिसमें हमारे पास कुछ स्पाइस हैं अंडा होगा दही होगा लहसुन अदरक का पेस्ट होगा तो आए हम इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम सो चरगे को बनाने के लिए सबसे पहले आपने उसकी मैरिनेशन प्रिपेयर करनी है जिसके थ्रू हमने उसको मैरिनेट करना है तो आपने एक खुला सा बर्तन लेना है उसके अंदर आपने एक कप दही ऐड कर लेना है फिर आप इसमें डालेंगे तकरीबन दो चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट उसको आप पेस्ट बना लें या चाहे उसको आप बारीक बारीक कूट लें इसी के साथ आपने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करना है आप सेम इसको भी चाहे कूट के ऐड कर लें चाहे इसका पेस्ट ऐड कर लें ये भी आपने तकरीबन दो टेबल स्पून ऐड कर लेना है एक टेबल स्पून इसमें जाएगा लेमन जूस एक टेबल स्पून आपने इसमें जर्दे का कलर ऐड करना है ये फूड कलर है येलो फ़ूड कलर इसमें अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर ऐड कर लें अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं अब वन बाय वन मैं इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करूँगी तो सबसे पहले जो मैंने इसमें चीज़ ऐड की है वो है नमक एक टेबल स्पून आप इसमें नमक शामिल कर लें एक टेबल स्पून आप इसमें सूखा धनिया शामिल कर लें जो तो टेबल स्पून आपको मेरे हाथ में नज़र आ रहा है इससे मैंने ये सारी चीज़ें मैया की हैं सो तो आप इसको ऐड करते जाएँ वन टेबल स्पून आपने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है वन टेबल स्पून ही आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर लें वन टेबल स्पून इसमें जाएगा टिक्का मसाला क्योंकि मसाले यहाँ पे सब एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हैं सो मैं इसलिए आपको थोड़ा साथ, साथ गाइड कर रही करी ताकि आपको पता चल जाए सो so, इसमें दोनों लाल मिर्चें जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्च भी और लाल मिर्च का पाउडर भी सो so, एक एक टेबल स्पून आपने इसमें इन दोनों चीज़ों को ऐड कर देना है और ऐट दी एंड आपने इसमें ऐड करना है ज़ीरा पाउडर सो so, स्पाइसेस तो जितने भी मैंने ऐड करने थे वो ऑलमोस्ट सारे मैं ऐड कर चुकी हूँ अब जस्ट एक इंग्रेडिएंट हमारे पास रह गया है जो है अंडा तो अंडे की एक प्रॉपर्टी है कि ये एज़ अ बाइंडिंग एजेंट काम करता है सो so अंडा बहुत इम्पॉर्टेंट है कोटिंग के लिए आप ज़रूर इसको ऐड करें क्योंकि यहाँ पे मैं एक होल चिकन ले रही हूँ तो उसके लिए एक अंडा काफ़ी है तो आपने इसको ऐड करना है और इस सारे मसाले को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है आप हैंड बीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी फॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ आपने इसको इक्वली मिक्स कर लेना है अब हम इस कोटिंग को इस मैरिनेशन को अपने होल चिकन पे थॉर्ली लगा देंगे सो so, यहाँ पे मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरी रेसिपीज़ को लाइक like करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करती रहूँ तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होते हैं तो हम ज़्यादा मोटिवेट होते हैं ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिलती है और हम फिर इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाते हैं सो बैक टू अवर रेसिपी रेसिपी में आप देख सकते हैं मैरिनेशन हमारी रेडी है एकदम अब हमने जस्ट इस पर कुछ कट्स लगाने हैं ताकि हमारा मैरिनेटेड मटीरियल अच्छी तरह से इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए सो so, यहाँ पर आपने सबसे पहले इसकी ऊपर वाली जो बॉडी है उसको कट कर लेना है फिर आपने इसकी थाई बोन्स को इसके लेग पीसेस को अच्छी तरह से इसमें छोटे छोड़ छोटे आप कट्स लगा दें कट्स लगाने का फ़ायदा ये है कि आपका मैरिनेटेड मटेरियल इसके अंदर अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाता है और फिर एक बहुत ही जूसी साइज़ का फ्लेवर आता है अगर आप कट्स नहीं लगाएंगे ऊपर पर ही जस्ट कोट कर देंगे तो फिर इसकी जूसीनेस के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं सो so, मैंने यहाँ पे कट्स कंप्लीट कर लिए हैं अब जितना भी इसका कोटेड मटेरियल था वो इस पर मैं सारा अच्छी तरह से लगा लूँगी आज हम इस चरगे को बग़ैर किसी अवन के बग़ैर किसी कोयले के बनाएंगे क्योंकि बाहर ज़्यादातर आपको पता है ये ज़्यादा कोयलों पे बनती हैं और मोस्टली घरों में अब अवंस हैं तो अवंस पे भी लोग इसको बनाते हैं लेकिन मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ इसमें ना ही आपको किसी कोयले की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी अवन की क्योंकि हम इसको बड़ा मज़े का जूसी सा कुक करेंगे मैरीनेट करने के बाद आपने इसको ओवरनाइट रख देना है लेकिन इन केस के आप एक दिन पहले इसको मैरिनेट नहीं करते सो नो प्रॉब्लम अगर आपने इसको रात में बनाना है तो सुबह में आप इसको मैरिनेट करके रख दें चार पाँच घंटे भी अगर ये मैरिनेट रहेगी तो बहुत अच्छी बनेगी सो so, जब आपने इसको कुक करना है तो जिस पतीले में आप इसको कुक करना चाह रहे हैं उसको आपने पंद्रह मिनट पहले ही प्री हीट कर लेना है और उसके अंदर आपने रख देना है एक स्टेनर स्टेनर टाइप ये मेरे पास था एक उसको मैंने रख लिया है उसके बाद आपने इसमें अपनी मैरिनेटेड चिकन को रख लेना है देन आपने इसको कवर कर देना है और आपको मैंने फ़्लेम भी दिखा दिया मीडियम टू लो आपने फ्लेम रखना है सो आफ्टर थर्टी मिनट्स आपके पास ये अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएगी अच्छी तरह से ये कुक हो चुकी है अब हम इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड करेंगे और वो ये है कि हम इसको करेंगे मज़ीद फ्राई फ्राई करने के बाद आपने इसको तकरीबन पाँच मिनट जस्ट फ्राई करना है और देन आपने इसको किसी अच्छी सी सर्विंग डिश में ऐड करके सर्व करना है सो दिस इज़ द फाइनल लुक आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी थैंक यू